पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, बीजेपी ज्वाइन करने वाले राजीव बनर्जी सहित कई नेता मंच पर रहे मौजूद। रैली में स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा राम का नाम लेने वालों से टीएमसी को बैर। हावड़ा में बीजेपी की रैली में गर्जे अमित शाह, ममता राज में मां माटी मानुष की जगह ताराशाही, साथ ही कहा भतीजे की कल्याण में जुटी है ममता सरकार। रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह राज्य को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले गई है ममता। यूपी के बागपत में सर्वखाप पंचायत, किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। बागपत खाप पंचायत में किसानों की नहीं दिखी भीड़, पंचायत के बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ नुकीले तार भी लगाए गए। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाला रास्ता बंद। सिंगू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने रास्तों में बैरिकेडिंग लगाई। दिल्ली हिंसा फैलाने वाले ज्यादातर दंगाई, यूपी उत्तराखंड और पंजाब के रहने वाले, परेड में शामिल ट्रैक्टरों में नहीं थी नंबर प्लेट, कई वाहन निकले फर्जी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बोले एबीके यू अध्यक्ष नरेश टिकैत, हमारी छोटी सी मांग, 3 कानून वापस लिए जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कहा शांतिपूर्ण समझौते पर सरकार को विश्वास है। गिरफ्तारी के डर से घबराया दिल्ली हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू, वीडियो जारी कर बोला परिवार को ना करे परेशान, मैं खुद 1-2 दिन में पेश हो जाऊंगा। दिल्ली हिंसा केस में दीप सिद्धू की तलाश में जुटी पुलिस, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में दिल्ली पुलिस की 2 टीम मौजूद। सिंघू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद, शांति बहाल करने के लिए इंटरनेट सर्विस को किया सस्पेंड। हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध, आज शाम 5 बजे तक बढ़ा, आंदोलन के नाम पर अफवाह फैलाने की आशंका के बाद बढ़ा बैन। हरियाणा और पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते टोल वसूली में 600 करोड़ रुपए का नुकसान, ICRA की रिपोर्ट में खुलासा। सीएम गहलोत ने 26 जनवरी की हिंसा की एक बार फिर निंदा की, कहा लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी, किसानों से वार्ता करनी चाहिए, ये बात किसानों के लिए कही। दिल्ली ब्लास्ट में PETN मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल, अलकायदा के आतंकी करते हैं इस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल, अलकायदा के एंगल से भी जांच कर रही है एजेंसियां। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच तेज, मिले अहम सुराग, संदिग्ध के स्केच तैयार करवा रही है पुलिस। NSG ने शुरू की इसराइल दूतावास के पास हुए हमले की जांच, खुलासे के लिए CCTV फुटेज और IPDR की मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के अपमान से दुखी हुआ देश। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना टीकाकरण अभियान अब दुनिया के लिए बन रहा है मिसाल। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बुंदेलखंड में हुए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का जिक्र, स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत करने वाली छात्रा गुरलीन की तारीफ। ये मोदी प्रबुद्ध भारत पत्रिका के समारोह में होंगे शामिल, प्रबुद्ध भारत पत्रिका भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचारक। कल पेश होगा देश का आम बजट, नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद, कोरोना संकट से उभर रहे उद्योग सेक्टर को उम्मीद। कल से देश के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और ऑडिटोरियम को 100% की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत, हॉल में खाने की वस्तु ले जाने की मिली मंजूरी। दिल्ली में यूके से आने वाले यात्रियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी नहीं, हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत की उम्मीद नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम योगी ने किया प्रदेश में 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, यूपी भूगर्भ पोर्टल की शुरुआत, लाभार्थियों से भी किया संवाद। यूपी में आज से पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत, सीएम योगी ने लखनऊ से की शुरुआत। बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की। यूपी रेरा ने शुरू की अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मुहिम, बॉयर्स से मिली जानकारी के आधार पर कराए जाएंगे प्रोजेक्ट्स पूरे। अयोध्या में पर्यटक रोपवे के जरिए रामलला का कर सकेंगे दर्शन, प्रोजेक्ट पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का काम शुरू। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पर मुहर, 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 और 12वीं तक के स्कूल, प्रदेश में साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लागू। अमेठी के RTO ऑफिस में काम कराने के नाम पर घुसखोरी, चरम पर धन उगाही का वीडियो वायरल। नोएडा में पंचायत अध्यक्ष से 60 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, खुद को बवाना गैंग का सदस्य बताकर मांगी थी रंगदारी। नोएडा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर।
उत्तराखंड के 25,000 किसानों को बिना प्याज के मिलेगा लोन। 6 फरवरी को किसानों को 3-3 लाख और समूहों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का लोन। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण के लिए 4,000 करोड़ रुपए जारी। 7 गांव की 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण। बहराइच में एक शख्स पर फायरिंग करने के मामले में चौकी इंचार्ज सस्पेंड, 2 सिपाही लाइन हाजिर। यूपी के देवरिया में अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काशी की गंगा में दौड़ेगा एक और क्रूज, गंगा घाट पर एक और क्रूज सैलानियों के लिए तैयार। यूपी के प्रयागराज में भू माफिया के अवैध घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, आरोपी भू माफिया बाहुबली अतीक अहमद का करीबी। नोएडा के रजनीगंधा चौक पर चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। वाराणसी के बीएचयू में आयशा और एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, आयशा के प्रदर्शन ने नारेबाजी के बाद भड़के एबीवीपी के कार्यकर्ता। आगरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से 4 लोग मौत। यूपी के गोंडा में बेकाबू ट्रक ने टेम्पो को मारा टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एमपी बीजेपी में खींचतान जारी, 10 महीने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम पर नहीं लगी मुहर। रायपुर में दिवंगत मंत्री डीपी घृतलहरे की बहू और पोती की हत्या, घर में ही बेड में छिपाए गए थे शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अब गौ नायल में से चमकेंगे एमपी के सरकारी दफ्तर, प्रशासन ने जारी किया आदेश, कांग्रेस ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। नक्सलियों ने ली डीआरजी जवान मल्लेश की हत्या की जिम्मेदारी, पर्चा फेंक कर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को बंद करने की मांग। किडनैपर्स के चंगुल से भागने में कामयाब हुए झांसी के डॉक्टर, कई किलोमीटर चलने के बाद डायल 100 की मदद से पहुंचे एमपी के मुरैना। राजस्थान में 90 निकायों के आज आएंगे नतीजे, जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू, 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, 5 लाख रुपए तक मुफ्त मिलेगी चिकित्सा सेवा। भीलवाड़ा शराब दुखांतिका केस में खुलासा, एफएसएल रिपोर्ट में नहीं पाए गए मिथाइल अल्कोहल। सवाईमाधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर हादसा, बजरी के ढेर से टकराकर पलटी निजी बस, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। बिहार में कल से शुरू होगी इंटर की परीक्षा, 13.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल, अभ्यर्थियों को कोरोना निर्देशों का करना होगा पालन। पटना नगर निगम का बड़ा ऐलान, पार्षदों को मिला 1 करोड़ तक की राशि खर्च करने का अधिकार। बिहार में बदमाशों को खाकी से भी नहीं खौफ, जीआरपी दरोगा को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मौके पर ही मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच शुरू। बजट सत्र में आर्थिक मामलों से जुड़े कई बिल लाएगी सरकार, फाइनेंस बिल समेत 20 बिलों की सूची तैयार। नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाएगी सरकार, पीएफ और एलटीसी पर मिल सकती है छूट। रियल एस्टेट में है इकोनॉमी और 5 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का दम, फिलहाल बजट में सपोर्ट जरूरत। रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई पर फोकस, छोटे कारोबारियों के लिए आसान किए जा सकते हैं नियम। बिटकॉइन पर रोक लगाएगी सरकार, रुपए के डिजिटल वर्जन को मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी का दर्जा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मिल सकता है फ्री इंटरनेट और टैबलेट, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने पर रहेगा फोकस। 2020 में टोयोटा बनी दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, अब टेस्ला को चुनौती देने के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाएगी कंपनी। कबाब में हड्डी बन रही है, अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बयानी ने लगाया आरोप। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को मिली अस्पताल से छुट्टी, एंजियोप्लास्टी के बाद हुए डिस्चार्ज। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली 4th नंबर पर काबिज, बाबर को पीछे छोड़, 6th नंबर पर पहुंचे पुजारा, टॉप 10 बॉलर्स में 2 भाग। इंग्लैंड टीम को भारतीय बल्लेबाजों से डर, बैटिंग कोच बोले हमारे गेंदबाज ज्यादा बेहतर नहीं, टीम इंडिया पर दबाव के लिए बड़ा स्कोर करना होगा। इंग्लिश टीम होगी और भी मजबूत, ईसीबी ने कहा भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड से जुड़ेंगे बेरस्टो, वुड और सैम करन। आउटडोर गेम्स के लिए स्टेडियम में दर्शकों की फुल एंट्री की मंजूरी, कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। एशियाई क्रिकेट में भारत का दबदबा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह, नजमुल हसन को रिप्लेस किया। कोहली ने वार्नर की जर्सी गिफ्ट की, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय कप्तान को थैंक यू कहा, बोले कोहली मेरी बेटी के फेवरेट प्लेयर। शबनीम 100 विकेट लेने वाली दुनिया की 5वीं बॉलर बनी, भारतीयों में पूनम इस उपलब्धि से 5 विकेट दूर।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में 50% दर्शकों को एंट्री, 30,000 फैंस हर रोज स्टेडियम में पहुंचकर देख सकेंगे मैच। फ्रेडी में कार्तिक आर्यन संग नजर आएंगी कैटरीना कैफ, फिल्म प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए थे कार्तिक। अक्षय कुमार समेत फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स के खिलाफ जैसलमेर में केस, कोविड-19 की गाइडलाइन तोड़ने का। सुष्मिता सेन की बेटी रिनी सेन अब बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार, एक्टर दर्शन सफारी के साथ एक प्रोजेक्ट पे कर रही है काम। कश्मीर की वादियों में शूटिंग की तैयारी, अजय देवगन फिल्म्स संजय दत्त प्रोडक्शन जैसे बैनर लोकेशन देखने पहुंचे। सोनू सूद पर FIR की तैयारी में मुंबई पुलिस, BMC को स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुला। 16 फरवरी को रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन, सामने आए कैरेक्टर पोस्टर्स। रागनी MMS में नजर आई थी विनोद मेहरा की बेटी सोनिया, अब सिखाती है योग। पोलैंड में गर्भपात पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। अर्जेंटीना में धन कुबेरों पर कोरोना टैक्स लगाने का अभियान है, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नया टैक्स। कांस फिल्म फेस्टिवल 2 महीने के लिए टला, कोरोना महामारी के चलते जुलाई तक टाला गया फेस्टिवल। फ्लोरिडा के अपने आलिशान रिजॉर्ट में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लीगल नोटिस, एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप। बाइडेन के आने के बाद भी US चीन के बीच टकराव, अमेरिका ने कहा दक्षिण चीन सागर में मित्र देशों की हिफाजत हमारा फर्ज। अमेरिका में 1 फरवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूरी, US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने ऑर्डर जारी किया। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, 6 देशों की यात्रा पर रोक, 28 फरवरी तक बढ़ाई सुरक्षा। भारत के खिलाफ साजिश, पाकिस्तानी नौसेना के लिए चीन ने बनाया दूसरा लड़ाकू जहाज, 4 वॉरशिप का सौदा हुआ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तेज स्पीड की वजह से बाइक सवार सामान लादने वाली मशीन से टकराया और सड़क पर चारों खाने चित हो गया। रेड लाइट पर गाड़ियां बत्ती की हरी होने का इंतजार कर रही थी, तभी सामने से आई कार ने इतने जोर से टक्कर मारी कि कार के परखत चोर गए। स्नोफॉल के बाद सड़कों पर भारी फिसलन हो जाती है, इसी की वजह से ये शख्स ऐसा फिसला कि मुंह के बल सड़क पर गिर गया। पार्किंग में कार खड़ी होने के लिए आई लेकिन स्पीड इतनी तेज थी कि रेलिंग तोड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी, हादसे में ड्राइवर घायल हुआ। रेसिंग ट्रैक पर ही हो गया हादसा, फिनिशिंग लाइन पर खड़ी रेफरी से सभी धावक ऐसे भिड़े कि एक के ऊपर एक सभी बारी बारी से गिरेंगे। भी सड़क पर गाना गाना इस सिंगर को महंगा पड़ गया, तेजी से आई कार ने ऐसी टक्कर मारी, पूरा सेटअप खराब हो गया।